साथियों नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। आइए नज़र डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की जंग रोचक हो चुकी है। वोटिंग में एक महीने से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में आखिरकार वो खबर आ गई जिसकी बीते कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। जानकारी के मुताबिक पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट आज शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामेंगे। दोपहर करीब 1 बजे दोनों पहलवान कांग्रेस में शामिल होंगे। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने बीते गुरुवार को ही दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी से मिलने के बाद पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल से भी मिलने पहुंचे थे। इसी के बाद से दोनों के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थीं। यूपी के सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव की एनकाउंटर में मौत को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मंगेश को उसकी जाति देखकर मारा गया है। उन्होंने इसे नकली एनकाउंटर बताया। सपा इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठा रही है। वहीं आज सपा नेता लाल बिहारी यादव पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। सपा नेता लाल बिहारी यादव यूपी विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। आज सुबह जौनपुर के थाना बक्सा तहसील स्थित गांव अगरौरा पहुंचेंगे और मंगेश यादव के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उन्हें सांत्वना देंगे। सपा ने इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग भी की है। आपको बता दें, मंगेश यादव पिछले दिनों 28 अगस्त को सुल्तानपुर में एक ज्वेलर की दुकान पर हुई 1.5 करोड़ की डकैती की वारदात में शामिल था। जिला सत्र न्यायालय के चैम्बर से मंगलवार की दोपहर लापता हुई महिला अधिवक्ता का शव बुधवार की देर रात कासगंज की हजारा नहर में मिला। शरीर के कई जगहों पर चोट के निशान भी मिले हैं। पति ने हत्या की आशंका जताई है। एसपी समेत अन्य पुलिस अफसरों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उत्तर प्रदेश के कासगंज में बीते मंगलवार महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की अगवा कर हत्या करने एवं बिना कपड़ों के शव का नाले में मिलने की घटना बेहद दुखद और दंडनीय है। 4 दिन में किसी की भी गिरफ्तारी ना होना पुलिस प्रशासन की लापरवाही व यूपी सरकार की नाकामी का सबूत है। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मामले की CBI जांच करवाने, मृतका के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने की मांग करता हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद शुल्क कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की मौत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की मौत का कारण कोविड वैक्सीन है। झारखंड में लोगों को लगाए गए कोविड टीके दोषपूर्ण थे और मरने वाले युवाओं पर इसका असर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने इसकी जाँच का आदेश दिया है। अधिकारियों के अनुसार अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। वहीं सीएम सोरेन ने BJP पर दूसरे दलों के विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल विधानसभा चुनाव के बाद BJP को राज्य से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। सीएम सोरेन ने कहा कि लोग BJP को अस्वीकार कर दें तो वे विधायकों सांसदों को तोड़ते हैं। वे विपक्षी नेताओं के खिलाफ ED और CBI जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हैं और अपनी सरकार बनाने के लिए उन्हें सलाखों के पीछे डाल देते हैं। लेकिन हम ना तो बिकाऊ हैं और ना ही डरे हुए हैं। हमने तय किया है कि इस बार हम अपने विपक्ष को झारखंड से हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। बरेली की डेलापीर फल मंडी में बृहस्पतिवार रात भीषण आग लगने से 28 दुकानें राख हो गईं। इनमें रखे 5 करोड़ के फल भी जलकर नष्ट हो गए। रात 11 बजे फल मंडी के ज़्यादातर कारोबारी अपनी दुकानें बंद करके घर जा चुके थे। फल मंडी के शेड में 8 नंबर दुकान के पास से अचानक लपटें उठने लगीं। दूसरी आड़त पर मौजूद फल कारोबारी बबलू ने ये देखकर शोर मचाया तो कुछ व्यापारी व उनके कर्मचारी आ गए। इन लोगों ने कैन में भरे पानी से आग बुझाने की कोशिश की। आग नहीं बुझी तो उन्होंने गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों को सूचना दी। उसी वक्त अग्निशमन विभाग को भी सूचना दी गई, पर टीम 45 मिनट बाद मौके पर पहुंची। 5 फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुट गए। काफ़ी प्रयास के बाद भी रात 2 बजे तक वे लपटों पर काबू नहीं पा सके। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।
आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।